ये जो रबड़ आप देख पा रही है वॉलपिन रबड़ क्या होता है, खराब हो जाता है। हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, मैं राजू जी। सो गाइज, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो बहुत ही ज्यादा छोटा होने वाला है और आप लोग को बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग का ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गाइज, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। लाइक करना शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आधा दोस्तों को भी काम में आने वाला वीडियो है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, अक्सर क्या होता है कि हम लोग साइकिल में हवा भरते हैं फिर चलाते हैं तो देखते हैं दो दिन तीन दिन एक दिन में हवा जो है निकल जाता है, हल्का निकल जाता है, हवा आधा हवा रहता है, आधा हवा जो होता है साइकिल वाला वो निकल जाता है जगह। तो इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग वाल्टी को चेक करते हैं, वॉल्पिन को चेक करते हैं। वॉल्पिन को जब हम लोग चेक करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वॉल्पिन जो रबड़ होता है, ये जो रबड़ आप देख पा रही है वॉल्पिन रबड़ क्या होता है, खराब हो जाता है। तो ये जो वॉल्पिन आप देख रहे हैं, ये वॉल्पिन में क्या होता है कि यहाँ से जो हवा लीकेज करता है, ठीक है, यहाँ से जो हवा लीकेज करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जाते हैं साइकिल शॉप में, नया वाल ट्यूब लेकर के अपने से खुद से ही लगाते हैं। तो खुद से लगाते हैं तो इस तरीके से पानी में डुबाते हैं, इस तरीके से पानी में डुबा करके और पानी में डुबा करके इस तरीके से जो प्रेस करते हैं तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा जाम जाता है, बहुत ही हार्ड जाता है, जल्दी से अंदर की ओर जाता नहीं है। तो इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है कि आपको कुछ करना नहीं है। अगर आप साइकिल में टाइम टू टाइम ऑयलिंग करते हैं, आप अगर साइकिल दुकान में हैं और आपके पास ऑयल है इस तरीके का, तो साइकिल दुकान से थोड़ा सा ऑयल इस तरीके से ले लें। और ऑयल लेने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से वॉलपिन में लगाना है और लगाना है अंदर की ओर प्रेस कर देना। तो अंदर की ओर आप जैसे ही प्रेस करेंगे इस तरीके से तो पूरा बहुत ही ईजिली और आसानी से हो जाएगा। ये देखिए हमारा कितना ईजी और आसानी से हो गया है। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, जगह इसको ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर आप साइकिल शॉप में खड़े हैं और आप साइकिल में अपना साइकिल में ऑयलिंग करते हैं टाइम टू टाइम, तो साइकिल में जो चेन में होता है और चक्के में होता है, ग्रीस हो या मोबिल हो, दोनों ही आप यूज कर सकते हैं उस जगह का भी लेकर के।